हेलो फ्रेंड्स, डीएलके बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं डी.एल. कुमार और आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी के कार्य। फ्रेंड्स, इससे पूर्व की वीडियो में हमने गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर बात की थी और आज हम बात कर रहे हैं भी गोल्जी बॉडी के कार्य। तो गोल्जी बॉडी एक कोशिका का अति महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किए जाते हैं। ये गोल्जी बॉडी जो है सिंथेसिस, स्टोरेज, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, कंसंट्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन जैसे कार्यों का संपादन करता है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंथेसिस। गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है जैसे कार्बोहाइड्रेट में हेमिसेलुलोज पेक्टिन का संश्लेषण करता है जिससे कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो गोल्जी बॉडी कार्बोहाइड्रेट जैसे में हेमिसेलुलोज पेक्टिन व विभिन्न प्रकार की पॉलीसेकेराइड शर्कराओं का संश्लेषण करता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी कॉर्टिलेज जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन व म्यूकोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ पदार्थ है उसका भी संश्लेषण करता है। इसके अलावा ये ग्लाइकोप्रोटीन तथा विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण व स्त्रावण, इसके द्वारा पीतक का निर्माण, एल्बुमिन का निर्माण, म्यूकस का संश्लेषण वह विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का संश्लेषण किया जाता है। तो गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सिंथेसिस किया जाता है भी संश्लेषण किया जाता है। वो पदार्थ क्या है भी? कार्बोहाइड्रेट, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, कॉर्टिलेज, ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन। इसके अलावा अपन बात करें कि पीतक, एल्बुमिन, म्यूकस व हार्मोनों का संश्लेषण करता है। दूसरा अपन बात देखें भी दूसरा फंक्शन अपन देखें। पहला फंक्शन अपन ने सिंथेसिस देखा जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का ये संश्लेषण करता है। दूसरा फंक्शन है इसका स्टोरेज। कार्बोहाइड्रेट गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम। तो गोल्जी बॉडी जो है विभिन्न प्रकार के पदार्थों का क्या करते हैं, संग्रहण भी करता है जैसे कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, लिपिड का, एंजाइम्स का संग्रहण करता है। और गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी है उनकी मेम्ब्रेन्स पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे मैग्नीशियम एडीपेज, मैग्नीशियम एपीपेज, सीटीपेज, एसिड फास्फेटेज, थायमीन पाइरोफास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज जैसे एंजाइम क्या क्या करता है, ये स्टोर करता है। तो गोल्जी बॉडी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, हार्मोन्स व एंजाइमों का संग्रहण भी किया जाता है। तो हमने देखा भी दो फंक्शन, सिंथेसिस और स्टोरेज। अगला फंक्शन अपन देखें भी एब्जॉर्प्शन। गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अवशोषण भी किया जाता है जैसे ये धातु आयनों का विशेष रूप से अवशोषण करता है जिसमें लोह, तांबा, स्वर्ण, एल्यूमिनियम, बिस्मिथ, सिल्वर व लिपिड का अवशोषण करता है। तो गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों या धातु आयनों का क्या किया जाता भी, अवशोषण किया जाता है। वो तत्व कौन कौन से हैं भी? लोह तत्व है, तांबा है, स्वर्ण है, एल्यूमिनियम है, बिस्मिथ है, सिल्वर है और इसके साथ साथ लिपिड का भी अवशोषण करता है। अगला अपन कार्य देखें भी सिक्रेशन। देखो गोल्जी बॉडी का अति महत्वपूर्ण कार्य है भी सिक्रेशन। इसे कोशिका का स्त्रावी ऑर्गन
या सिक्रेटरी ऑर्गन या सिक्रेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, या इसे अपन गोल्जी बॉडी की गोल्जी बॉडी को कोशिका की स्त्रावी फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, अतः इसे कोशिका की स्त्रावी फैक्ट्री कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी कोशिका की क्या है भी, स्त्रावी फैक्ट्री है, जिसके द्वारा प्रोटीन, हार्मोन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाता है भी, स्त्रवण किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। साथ ही साथ इसके द्वारा स्त्रावी कण, सिक्रेटरी वेसिकल, प्रोटीन युक्त वेसिकल का स्त्राव किया जाता है, जिससे सिस्टर्नी का निर्माण किया जाता है। यह जल का स्त्राव करता है, जो वेसिकल है स्त्रावी वेसिकल, उनसे जल का भी स्त्राव होता है, जिससे वेसिकल की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। अगला फंक्शन अपन देखेंगे कंसंट्रेशन। तो गोल्जी बॉडी सेल में अन्य जगह पर बने हुए कणों व बूंदकों या बूंदियों का सांद्रण करता है। तो गोल्जी बॉडी कंसंट्रेशन या सांद्रण का कार्य भी करता है, जिसमें कोशिका में बनी हुई अनेक पुटिकाओं व बूंदकों का सांद्रण करता है। साथ ही साथ सिक्रेटरी वेसिकल से जल का स्त्रावण करके सिक्रेटरी वेसिकल की सांद्रता को या सांद्रण को भी बढ़ा देता है। तो गोल्जी बॉडी के पांच अपने मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन देखे भी, सिंथेसिस, जिसके द्वारा का गोल्जी बॉडी से विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, सिंथेसिस पदार्थों का ये स्टोरेज करता है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अणु आयनों का अवशोषण भी किया जाता है। गोल्जी बॉडी को कोशिका के सेक्रेटरी फैक्ट्री कहते हैं, इस काम से इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के वेसिकल व पिंडों व कणों की कंसंट्रेशन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता है, उसकी सांद्रता का बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे अगला फंक्शन श्वसन में एटीपी निर्माण हेतु गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया को उत्तेजित करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को उत्तेजन करने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, जिससे गोल्जी बॉडी सक्रिय हो जाता है और एटीपी का संश्लेषण करता है। अगला फंक्शन अपन देखें फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों सॉरी विभिन्न प्रकार के कोशिका अवयवों का निर्माण किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के कोशिका अवयवों का निर्माण करता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, सेल वॉल का कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है, जिसे प्राइमरी लाइसोसोम अपन कह सकते हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम किससे बनता है भी, गोल्जी बॉडी से बनता है। इसके अलावा फ्रैगमोप्लास्ट कोशिका भित्ति के निर्माण के समय बनने वाली प्लेट को अपन क्या कहते हैं भी, फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं, और इससे सेल प्लेट बनती है। तो मध्य पटलिका का निर्माण भी गोल्जी कार्य के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी उपास्थियों के निर्माण में भी सहायक होता है। तो उपरोक्त विवरण से हमें यह पता लगा कि गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण, स्त्रावण, अवशोषण किया जाता है। विशेष रूप से गोल्जी बॉडी स्त्रावी और ग्रंथिल कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के फंक्शन जो है सिंथेसिस का, स्टोरेज का, सिक्रेशन के पूर्ण किए जाते हैं। गोल्जी बॉडी का एक और अति महत्वपूर्ण फंक्शन है भी एक्रोसोम। एक्रोसोम की फॉर्मेशन या निर्माण भी गोल्जी बॉडी के द्वारा किया जाता है। तो फॉर्मेशन में अपना अगला फंक्शन है एक्रोसोम का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम शुक्राणु के ऊपर उपस्थित एक टॉपी नुमा रचना है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में बनती है। तो बारगोज व
फॉसेट ने 1955 में एक्रोसोम निर्माण को देखा। किस तरीके से गोल्जी बॉडी द्वारा एक्रोसोम बनता है, यहां आपको डायग्राम दिख रहे हैं जिसे अपन समझते हैं कि सबसे पहले देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये गोल्जी बॉडी है। तो गोल्जी बॉडी केंद्रक के संपर्क में आता है, उसके पास आता है और एक गोलाकार रचना में बदल जाता है। तो ये न्यूक्लियस है और ये गोल्जी बॉडी है जो एक गोलाकार रचना में बदल गया है। इसमें एक प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनती है, प्रो एक्रोसोमल कणिका बनती है। तो ये जो आपको दिख रही है ये प्रो एक्रोसोमल कणिका है और इस प्रो एक्रोसोमल कणिका के चारों ओर एक वेसिकल, एक रिक्तिका बन जाता है, पिंड जिसे अपन कहते हैं प्रो एक्रोसोमल वेसिकल। तो सर्वप्रथम गोल्जी काय के मध्य एक प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल व प्रो एक्रोसोमल वेसिकल बन जाता है। धीरे धीरे यह प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल व प्रो एक्रोसोमल वेसिकल वृद्धि करते हैं और देखिए यहां ये वृद्धि की है जहां इसे अब एक्रोसोमल वेसिकल कह रहे हैं और इसे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। तो ये वृद्धि करके प्रो से किसमें आगे थी, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और एक्रोसोमल वेसिकल बन गए और वृद्धि करते हैं और ये आपको दिख रहा है एक्रोसोमल वेसिकल जो ये दिख रहा है खाली स्थान और ये है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल। तो ये एक्रोसोमल वेसिकल है और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है और अंततः यह केंद्रक के ऊपर एक टोपी नुमा रचना के रूप में लग जाता है। तो आपको ये जो दिख रही रचना, ये पूरी रचना क्या है भी, जो यहां से ये रचना दिख रही है ये पूरा एक्रोसोम के रूप में जाना जाता है। ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस, उसके पश्चात ये एक्रोसोम है। एक्रोसोम में ये एक्रोसोमल वेसिकल मेम्ब्रेन है जो अपने को यहां दिख रही थी वो इस तरीके से फोल्डेड होते हुए आ गई और ये है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल और इस संपूर्ण रचना को अपन क्या कहते हैं भी, एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम और ये है अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक्रोसोमल वेसिकल मेम्ब्रेन और ये है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल से बना हुआ एक्रोसोम भाग। अब देखिए यहां पर बात करें गोल्जी काय का वह भाग जो एक्रोसोम निर्माण में भाग लेता है क्या कहलाता है भी, एक्रोब्लास्ट। तो एक्रोसोम निर्माण में एक्रोसोमल वेसिकल और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल भाग ले रहे हैं जिसे अपन क्या कहते हैं भी, एक्रोब्लास्ट कहते हैं। और गोल्जी काय के वे भाग जो एक्रोसोम निर्माण में भाग नहीं लेते हैं उन्हें गोल्जी रेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सभी काय जो एक्रोसोम निर्माण में भाग नहीं ले रही है उसे गोल्जी रेस्ट कह रहे हैं और जो निर्माण में भाग ले रही है उसे अपन क्या कह रहे भी, एक्रोसोम एक्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से पूर्ण एक्रोसोम का निर्माण हो जाता है। एक्रोसोम में ये न्यूक्लियस है, ये एक्रोस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये एक्रोसोमल वेसिकल मेम्ब्रेन है और ये एक्रोसोमल ग्रेन्यूल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इस तरीके से एक्रोसोम जो वेसिकल जो मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस को लगभग आधा ढक लेती है और इस प्रकार एक दोहरी झिल्ली बन जाती है और इन झिल्लियों को अपन क्या कहते हैं भी, गैलिया कैपिटिस नाम से जानते हैं। तो एक्रोसोम के चारों ओर और केंद्रक के आधे भाग में पाए जाने वाली इन झिल्लियों को अपन क्या कहते हैं भी, गैलिया कैपिटिस के नाम से जानते हैं। तो ये था एक्रोसोम का निर्माण जिसमें सर्वप्रथम प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बने, उससे एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बने और एक्रोसोमल ग्रेन्यूल से ही एक्रोसोम का निर्माण हुआ। तो हमने गोल्जी बॉडी के फंक्शन देखे भी, क्या क्या फंक्शन है, सिंथेसिस जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण किया जाता है, स्टोरेज जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का संग्रहण किया जाता है, एब्जॉर्प्शन जिसमें विभिन्न प्रकार के धातु आयनों का
अवशोषण किया जाता है, सेक्रेशन जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है, और गोल्जी बॉडी को कोशिका की क्या कहते हैं भी, स्त्रावी फैक्ट्री कहते हैं। कंसंट्रेशन गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के कोशिका कणिकाओं की सांद्रता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी और श्वसन हेतु उत्तेजित करता है या उद्दीपन भेजता है। इसके द्वारा इसके अलावा गोल्जी बॉडी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओपास्थियों, सेल वॉल, लाइसोसोम, फ्रैगमोप्लास्ट जैसे कोशिका अवयवों का क्या होता है भी, संश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी के द्वारा एक्रोसोम का निर्माण भी किया जाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में शुक्राणुओं के ऊपर एक टॉपी नुमा रचना बनती है जिसे अपन एक्रोसोम कहते हैं। तो ये है भी एक्रोसोम। एक्रोसोम का अगर अपन फंक्शन देखें तो ये अंडाणु भित्ति का भेदन करता है, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अपघटनकारी एंजाइमों का स्त्रावण किया जाता है जो अंडाणु भित्ति का भेदन करता है। तो ये था भी अपना आज का टॉपिक गोल्जी बॉडी के फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।